नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं इस्कॉन मंदिर में और यहाँ पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं राधा अष्टमी की, और मेरे साथ हैं बाली मुरारी दास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, राधा अष्टमी आ गई है, अभी जन्माष्टमी गई थी, अभी क्या है, थोड़ा सा मैं जाऊंगा, हमारे सुनने वालों को बताएं राधा अष्टमी के। बिल्कुल, राधा अष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और जन्माष्टमी जिस तरीके से धूमधाम से हमने मनाया, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी का जन्म उत्सव राधा अष्टमी, वो भी उसी हिसाब से हम इस्कॉन द्वारका मंदिर में मना रहे हैं। जैसे श्री कृष्णा परम भगवान आदि शक्ति हैं, पूरा ब्रह्मांड उनसे ही आ रहा है, सब कुछ उनसे आ रहा है, जन्मादि यस्य यतः श्रीमद् भागवत में आता है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी आदि शक्ति हैं, भगवान की अलादिनी शक्ति हैं, तो उनसे ही सारी शक्तियां श्रीमती राधा रानी से आ रही हैं। तो ये बहुत ही महत्व का विषय है। इनफैक्ट भगवान कृष्ण को अप्रोच हम करते हैं तो श्रीमती राधा रानी से ही करते हैं, इसीलिए शक्ति से ही हम शक्तिमान की पूजा करते हैं। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी का जन्मोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस्कॉन द्वारका मंदिर में हम बहुत ही धूमधाम से राधा अष्टमी मना रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बोला कि हम भगवान कृष्ण को राधा रानी के ही माध्यम से अप्रोच करते हैं, तो क्या चीजें हैं जो राधा रानी को बहुत पसंद है या किस तरह से उनको जल्दी से प्रसन्न किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, श्रीमती राधा रानी के विषय में अगर हम बताएं तो भगवान को सेवा के माध्यम से सबसे प्रसन्न करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो श्रीमती राधा रानी है। उनकी सेवा से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकता, तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो श्रीमती राधा रानी को जैसे अगर हम बताएं ड्रेस में, तो श्रीमती राधा रानी को नीला रंग पसंद है और उसका भी कारण है, क्योंकि भगवान का जो रंग है, कॉम्प्लेक्शन है, वो नीला है, तो इसीलिए उनको नीला रंग पसंद है। जो भी भोग भगवान को अर्पित किया गया है वो श्रीमती राधा रानी को पसंद है, और उसमें भी स्पेशली हम बात करें तो अरबी श्रीमती राधा रानी को बहुत ही पसंद है। अरबी जो जिसकी सब्जी बनती है? बिल्कुल, अरबी की जो सब्जी हम बनाते हैं तो वो श्रीमती राधा रानी को बहुत पसंद है, और राधा अष्टमी के दिन भक्त लोग यही कर सकते हैं कि अरबी बना के श्रीमती राधा रानी को भोग लगा सकते हैं, तो वो उनको बहुत ही पसंद है। अच्छा प्रभु जी, ये तो बताया आपने, अब मैं जानना चाहूंगा इस मंदिर में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। 4 सितंबर को राधा अष्टमी है, श्रीमती राधा रानी का जन्मोत्सव है, तो हम इसको द्वारका मंदिर में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं इसको। तो पूरा मंदिर का थीम रहेगा एक बार फिर से दिल्ली में वृंदावन बरसाना ब्रज का माहौल आपको इसको द्वारका मंदिर में दिखेगा। पूरा मंदिर फूलों से सजा हुआ होगा, पंडाल भी बन रहा है बहुत बड़ा, तो पंडाल भी फूलों से सजा हुआ होगा। और उस दिन जो भी भक्तगण यहाँ पे आएंगे, स्पेशली महिलाएं जो आएंगे, जैसे ब्रज में ग्वालिन होते हैं, गोपियां होते हैं, उनका जो ड्रेस होता है उसी ड्रेस में यहाँ पे जो माताएं हैं, महिला गण, वो मंदिर में आएंगे। और इनफैक्ट हम गोपी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी हमने रखा है, तो जो भी बहुत सुंदर ढंग से अच्छे वस्त्र पहन के यहाँ पे आएंगी तो उनको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, तो ये कंपटीशन भी है। और साथ ही साथ अरबी श्रीमती राधा रानी को बहुत पसंद है जैसे मैंने पहले बताया, तो कुकिंग कंपटीशन भी है, तो अरबी की सब्जी भक्त लोग बनाएंगे, तो जो भी भक्त बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा बनाएंगे तो उनको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। और साथ ही साथ मटका, जो भी जो श्रीमती राधा रानी का पसंद एक मटका भी है जो गोपियां यूज करती हैं, तो मटका को कौन व्यक्ति सबसे सुंदर ढंग से सजा के लेके आएगा तो उसका भी कंपटीशन होगा। तो ये वेरियस कंपटीशंस हैं और अलग अलग प्रोग्राम है। सुबह हिजोलेनेस भक्ति आश्रय विष्णु स्वामी महाराज, उनका कथा है राधा अष्टमी के ऊपर, राधा रानी के प्राकट्य के ऊपर, और उस दिन 12 बजे तक हम दोपहर को 12 बजे तक उपवास रखेंगे। और शाम को बहुत ही विशेष कार्यक्रम है पंडाल में, जो गोपाल फन स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और आसपास स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो आके परफॉर्मेंस करेंगे, डांस परफॉर्मेंस, ड्रामा परफॉर्मेंस होगा। और जन्माष्टमी में जो भी कंपटीशन हुआ था उसका प्राइज भी मिलेगा अलग अलग स्कूल्स को। और साथ ही साथ अभिषेक का प्रोग्राम है, राधा कृष्ण का अभिषेक होगा, महाअभिषेक, और उसके अलावा भगवान को भोग लगेगा, कीर्तन चलेगा। जो ग्रैमी अवार्ड नॉमिनीज हैं वृंदावन से, गौरमणि माता जी, तो वो यहाँ पे आएंगी, कीर्तन करेंगी, और सारे भक्त उसमें नाचेंगे, कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, तो बहुत ही उत्साह का माहौल होगा। तो बहुत कुछ उस दिन होने वाला है राधा अष्टमी के दिन, और सारे भक्त बहुत ही उत्साह में हैं, उमंग में हैं राधा अष्टमी के लिए। तो मतलब प्रभु जी, सुबह 4 तारीख को सुबह से कार्यक्रम होंगे और शाम तक चलते रहेंगे, और मैं लोगों से आपके माध्यम से ही कहूंगा कि
आप लोग आइए मंदिर में, 4 तारीख को सुबह से ही कार्यक्रम शुरू होंगे, आप आइए, आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए भगवान के, और जो यहाँ पर माहौल होगा उसका आनंद लीजिए। कुछ और आप कहना चाहेंगे? तो बिल्कुल बिल्कुल, राधाष्टमी जैसे हमने जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाया, उसी प्रकार हमें राधाष्टमी मनाना चाहिए। बहुत ही उत्साह से आइए मंदिर, आइए, बहुत ही सुंदर माहौल होगा उस दिन, और राधाष्टमी में पार्ट लीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। और भगवान को अप्रोच करने का बहुत ही सरल तरीका है, उस दिन श्रीमती राधा रानी का मर्सी पूर्ण रूप पे हमारे ऊपर होगा, तो इसका लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। तो ये जो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। थैंक यू।